जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ग्रैंड रिवर। ये एक बहुत बड़ा दरिया है और काफ़ी जगहों से गुज़रता हुआ जो है वो अपना रास्ता, मतलब है कि काफ़ी जगहों से होता हुआ जाता है, फाइनली जो है ना तो ये अपने डेस्टिनेशन पे जाके जो है वो डंप हो जाता है। ये एक ट्रेल है और जिस तरह मैंने कहा कि काफ़ी जगहों से होता हुआ गुज़रता है, मैं इस वक्त हूँ कैम्ब्रिज में, तो कैम्ब्रिज से भी होता हुआ गुज़रता है। और ये आप देखें, ये है कैम्ब्रिज पॉलिनेटर रिज़र्व, ठीक है ना जी। तो चलें जी, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये एक बहुत खूबसूरत जगह है ये स्पॉट। अभी मौसम चेंज होने वाला है, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है तो थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे बहुत ही रौनक होती है, यकीन करें। बहुत खूबसूरत जगह है पिकनिक स्पॉट के लिए और बहुत सारी लोकल फैमिलीज यहाँ पे आती हैं और जो है वो अपना जो है ना वो सारा पिकनिक विकनिक करते हैं। तो देखें, ये हम करीब आ रहे हैं, ये देखें जनाब, ये है जनाब ग्रैंड रिवर और ये है कैम्ब्रिज का एरिया है, ये कैम्ब्रिज ऑन्टेरियो का कनाडा। आप शायद कंफ्यूज हों कि कैम्ब्रिज तो इंग्लैंड में है, यूके में है, तो सही बात है, इंग्लैंड में जो है कैम्ब्रिज है और यहाँ पे भी कैम्ब्रिज है, ठीक है। ये कैनेडियन कैम्ब्रिज, वो एक सामने रेल का पुल है और बहुत साफ सुथरा पानी है इसका, ये देखें। अच्छा, इसके साथ वॉकिंग ट्रेल भी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो, ये जो वॉकिंग ट्रेल है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सीधा जाता है यहाँ से, इस सिटी से एक और सिटी है इसके करीब, उसको कहते हैं किचनर। तो जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, तो वो इस ट्रेल के थ्रू जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो ट्रेल, और अभी उस साइड पे भी आबादी है जो आपको नज़र आ रहे हैं, और आपको बैकग्राउंड में वो पीछे एक ब्लू ब्लू सा, शायद नज़र ना आ रहा हूँ मुश्किल से, ग्रीन सी इमारत है इसको, वो है बेसिकली कैम्ब्रिज मेमोरियल हॉस्पिटल, जो इस सिटी का बड़ा हॉस्पिटल है। तो ये छोटा सा सिटी है और बड़ा खूबसूरत सिटी है, ठीक है जी।
आपको नज़र आ रहे होंगे अभी शायद लोग, ये वो ट्रेल है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था। ये दरिया के किनारे किनारे ये ट्रेल है, एक ये है और एक इसके साथ ही जो है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो जो इंटर होते हुए मैं आ रहा था वो एक वो ट्रेल है, और ये इसका बोटैनिकल गार्डन है। अभी थोड़ी देर में अगर भी चला जाऊंगा आपको दिखाने, तो ये देखें जनाब, वॉक के लिए ज़बरदस्त जगह है, बिल्कुल ख़ामोशी है और जिसको पीस ख़ामोशी चाहिए वो इस जगह पे है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमेशा मैं स्ट्रेस करता हूँ अपनी वीडियोस में कि आप देखें ना, आपको कोई गन नज़र नहीं आएगा। हालांकि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं विज़िट करने, ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं, अब तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया है ना तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए और वॉक करने के लिए। लेकिन आप ज़रा देखें, यहाँ पे आपको कोई कचरा वगैरह नज़र नहीं आएगा। यह हमेशा मैं स्ट्रेस करता हूँ क्योंकि हम लोगों की अनफॉर्चुनेटली ये एक आदत है कि हम जिस रास्ते से गुज़रते हैं उस रास्ते पे अगर हम कुछ खा रहे हैं और रास्ते में तो गन फेंकते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है तो वो सिगरेट फेंक देता है। तो ये देखें, यहाँ पे ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप देखें तो रास्ते में आपको एज सच कोई गन नज़र नहीं है, कोई कागज़ नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये पूरा ट्रेल है, सारा तो मैं नहीं जाऊंगा ऑब्वियसली, 4-5 किलोमीटर का ट्रेल है आई बिलीव, 4-5 से ज़्यादा नहीं है दूसरे सिटी पे पहुंचने के लिए। तो बस आगे सारा सब कुछ ऐसे ही है। जनाब ये इसके साथ वो जो एरिया है बोटैनिकल गार्डन के जस्ट एडजेसेंट है, ज़रा ट्रेल से हट के मैं आ गया। ये देखें ज़मीन पे, ये पता नहीं क्या है, कौन सा फ्रूट है अल्लाह जाने, बहुत सारे पड़े हैं। ये देखें नाशपाती टाइप कोई चीज़ है। अच्छा जाना, ये हम उस बोटैनिकल गार्डन में आ गए हैं, बिल्कुल इसी तरह ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कुछ नए पौधे इन्होंने उगाए हैं, देखें जी। ठीक है, मैं आपको दिखाते हैं इसमें क्या लिखा है, ये पत्थर पे कैम्ब्रिज पॉलिनेटर रिजर्व 10th anniversary 2009-2019 डेडिकेटेड टू द AMCC वॉलंटियर हु क्रिएटेड दिस रिजर्व। अच्छा,
ठीक है जी। अच्छा, एक वो पीछे का ट्रेल था बिल्कुल दरिया के साथ साथ बिल्कुल, और एक ये है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये वही वाला ट्रेल है जो मैं आते हुए आपको दिखाया था। ये वाला, ये एक प्रॉपर ट्रेल है जिस पे लोग साइकिल पे सवार होके जो है ना किचनर तक जाते हैं, सिर्फ साइकिल या वॉक, सॉरी सिर्फ साइकिल या वॉक, गाड़ी वाड़ी के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो लोग वॉक के शौकीन हैं और वो 4-5 किलोमीटर का रास्ता जो है आसानी से क्रॉस कर सकते हैं एक साइड पे, तो फिर वो इस रास्ते से एक्सरसाइज के लिए आते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी वाइल्ड बेरीज भी होती हैं, ये देखें, ये देखें, ये ठीक है जी, ये मुझे नहीं पता ये एडिबल हैं कि नहीं है, लेकिन ये देखें, ये वाले देखें रेड, ब्लूबेरीज भी उगती हैं लेकिन इस एरिया में नहीं, और वो ऐसे ही यानी जंगली टाइप यानी, लेकिन एडिबल होती हैं वो। ये भी बेरीज भी शायद खाने के काबिल हों, लेकिन मैं नहीं खाना चाहता हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी। तो ये है सब कुछ, देख लें, सिर्फ मकसद था आपको दिखाना, और ये देखें यहाँ की ब्यूटी, देखें साफ़ सुथरी हवा है, कोई गाड़ियाँ नहीं हैं, कुछ नहीं है, इसलिए लोग जो वॉक के शौकीन हैं वो इधर आते हैं, दरिया के दोनों साइड पे, दोनों ट्रैक्स यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, दरिया के किनारे किनारे भी जो पहले था, और ये वाला भी। ये एक दूसरी साइड है, दूसरी साइड तो नहीं, आई मीन के साइड वही है लेकिन एक दूसरे पॉइंट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका ऑफिस ऑफिस भी है, ये देखें बेंचेस बेंचेस पड़े हैं, कुछ लोग आके बस आराम से बैठ जाते हैं, अपने साथ खाने पीने के कोई चीज़ ले आते हैं और फिर इधर बैठ के खाना भी खा लेते हैं, कुछ टाइम गुजारते हैं, चले जाते हैं। ये देखें ये जनाब, कनाडा का आइकॉनिक बतखें, ये देखें आराम से सुकून से। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, यहाँ से जो है ना लोग किश्तियाँ किश्तियों में बैठ के जो है ना रोइंग करते हैं, तो गाड़ी इधर तक ले आते हैं, उसके साथ अटैच होती है, और इधर फिर किश्ती में वो जाते हैं। ये जनाब देखें बतखें, सुकून से ये बतखें भी खड़ी हैं आराम से, इनको भी पता है कि हमें किसी ने कुछ नहीं कहना है। ये अपना पाकिस्तान होता या इंडिया होता तो मेरे ख़्याल से इसमें एक भी ना बचती। ठीक है, ये सारी प्रोटेक्टेड होती हैं और अक्सर इनके जो है ना उनको उनके ऊपर टैग भी लगाया होता है इनकी टांगों में। ज़्यादा करीब नहीं जाता हूँ, ये काफ़ी एग्रेसिव भी होती हैं, तो बेसिकली ये वही, थोड़ा सा आगे मैं आ गया हूँ, ये वही पुल है आपको नज़र आ रहा होगा,
अच्छा एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे प्लान ये था कि एक यानी एक डैम बनाया जाए यानी जिससे बिजली पैदा हो, तो प्लान जो था वो फाइनल होते होते ही जो है ना वो रुक गया। फिर बहुत सारे एनवायरमेंटल लोगों ने इसमें बड़ा शोर मचाया, तो फिर वो कम से कम फॉर द टाइम बीइंग तो वो प्लान जो है वो स्टॉप हो गया है। लेकिन इनका प्लान था कि इधर ये वो लगा दें और बिजली बनाएंगे ये, लेकिन फिर वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका। हालांकि कनाडा के पास काफ़ी सारी बिजली है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक फ्री बिजली है, सस्ती बिजली है, तो वाई नॉट। लेकिन कुछ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने पंगा किया बहुत उनके साथ, और कुछ और सिटी विटी के इश्यूज थे, तो वो चीज़ फॉर द टाइम बीइंग वो स्क्रैप हो गई। वरना यहाँ पे एक अच्छा खासा डैम बन सकता है यानी बिजली पैदा करने के लिए। डैम तो ये है, बना हुआ है, लेकिन है नहीं, ओवर द रन रिवर जिसको कहते हैं वो वाला। आपको सेब का दरख्त दिखाऊं जो खुद ही इधर उगा हुआ है, ये देखें कितने सेब हैं इसमें, नज़र आ रहे होंगे। ये ऐसी दरिया के किनारे ये दरख्त खुद ही उग गया है, कितने ज़मीन पे पड़े हैं देखें। ये देखें ज़मीन पे, ये देखें एक और दरख्त है सेब का। अच्छा जी, अभी मैं आपको एक और पॉइंट से इसी दरिया को दिखाना चाहता हूँ। ये पॉइंट आपको अच्छा लगेगा, ये देखें जरा, थोड़ा सा नीचे उतरता हूँ। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का डैम सा बनाया हुआ है, देखें फिशिंग भी कर रहे हैं। ये ज़बरदस्त व्यू है, ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको ये एक शादी हॉल है। डेंजर नो स्विमिंग, ये है ये वो रास्ता जिससे मैं नीचे उतरा,
ये वो पुल है, ये एक दूसरा पुल है, सॉरी वो वाला नहीं, वो तो रेलवे का पुल था। हैं जी थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं। जब बारिशें बहुत ज़्यादा हों तो ये सारा ये सारी जगह जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ ये सारी पानी से भरी होती है। ये देखें वो पता नहीं है क्या चीज़ है, अखरोट है क्या है, मेरे ख्याल से ये अखरोट है। यहाँ पे अखरोट भी बहुत होते हैं। ये देखें जनाब करीब से देखें, उस पॉइंट पे आपने देखा होगा कि पानी कितना सुकून से, दरिया कितना सुकून से जो है ना पानी बह रहा होता है, लेकिन इस पॉइंट पे इस डैम की वजह से इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है, देखें कितना ख़तरनाक लग रहा है। तो जनाब ये था ग्रैंड रिवर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्या मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ बताइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। तो ये था आज का, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।